इस तरफ जो हमारी तरफ है ये कारगल रिवर का पानी है और जो दूसरी तरफ मेला पानी है वो नीलम रिवर का है। नीलम रिवर की जगह किशन गंगा इंडिया वाली साइड पे इसमें जाते हैं और ये डोली चल रही है पानी के ऊपर। सामने एक ब्रिज है यहाँ पे दरिया काफी फैला हुआ है। खूबसूरत मंजर स्विट्जरलैंड की तरह ये है जी वो जगह जहाँ से पिछले दिनों जीप गिरी थी। वो जीप सड़क के किनारे पे इस तरफ आ गई थी ज्यादा और ये पत्थर की वजह से वो सड़क नीचे बैठ गई और जीप जो है वो नीचे यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे गाड़ी दरिया के बीच में से गुजरेगी, बिल्कुल साइड से गुजरेगी, वैसे तो बीच में से मराद पानी के बीच में से आप देख सकते हैं सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो जाती है जब दरिया का पानी ऊपर तक आ जाता है तो ये रास्ता बंद हो जाता है यहाँ। अच्छा रात के वक्त इधर पानी ज्यादा था, अब कम है? अच्छा ये कुदरती सिनेरियो है कि रात के वक्त पानी दरिया का ज्यादा हो जाता है और दिन के वक्त कम हो जाता है।
है? ये हमारी जीप है और ये चढ़ाई हो रही है। इलम वैली में और ये हमारे साथ में साथ मौजूद है। नाम किसी बाबा जी का नाम जी? मेरा नाम मुमताज बेग। मुमताज बेग साहब, उनके साथ हम केएल से गए थे ताओबत जीप में, ठीक है, और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत कॉपरेट किया है इन्होंने हमारे साथ। तो इनसे कुछ यहाँ की मालूमात लेते हैं और ये कुछ अपने बारे में बताएंगे।
अपना नाम बताइए। मुमताज बेग। और बताइए आप कब से और कितने अरसे से यहाँ पे कर रहे हैं, जीप चला रहे हैं? जीप कम से कम 25 साल से चला रहे हैं। 25 साल से चला रहे हैं? हाँ 25 साल। सही है माशाल्लाह। तो ज्यादातर इसी केल से ताओबाट चलाते हैं? केल, ताओबाट, रत्ती गली, पतलियां, बाबून। सही है। जागरा वेली। ठीक हो गया। चले और आप इस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताए। इलाका अच्छा इलाका है, सही इलाका है। 10-15 साल हो गए टूरिस्ट से आता है, पहले नहीं आता। अब ज्यादा 10-15 साल से? 10-15 साल तो ज्यादा आ गए, 2-4-5 साल हो गए सब ज्यादा आता है। सही है। तो अच्छा इलाका है, लोग भी इधर के अच्छे हैं, लोग भी इधर के बहुत अच्छे हैं, तहुन करने वाले लोग हैं, खिलाकी लोग हैं। ठीक है जी। तो ये थे बाबा जी मुमताज बेग साहब, इनके पास जो जीप है वो बड़ी ज़बरदस्त जीप है और हम इनके साथ गए थे और ये बहुत किराया भी मुनासिब लेते हैं, किराया भी ज़्यादा नहीं है। कहीं भी आप रुकना चाहें तो आप इनसे इनके ये बिल्कुल ये नहीं कहते कि जल्दी करो, इस तरह की कोई काली डालने वाली बात नहीं है और बहुत कॉपरेट करते हैं। तो जब भी आप आए इस इलाके में तो ज़रूर इनसे इनका नंबर हम ले लेते हैं, तो आप हमें इनबॉक्स कीजिए, हम नंबर आपको शेयर कर देंगे। तो ये आपके साथ बहुत अच्छा कॉपरेट करेंगे और हमारा इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। होटल लेने में भी ये ताउन करते हैं, इनकी इधर भी बात किया था, दावत में भी और रास्ते में भी, कहीं भी आपने रुकना हो, चाय बनानी हो, खाना बनाने के लिए बेशक रुकना, तो ये आपके साथ पूरा कॉपरेट करते हैं। ठीक है बाबा जी, थैंक यू सो मच। वाइल्ड लाइफ इस एरिया में काफ़ी है, ये हमें वाइल्ड बोर जो हैं ये काफ़ी जगह नज़र आए हैं। तो ये एक जगह पर हम वीडियो बनाने में कामयाब रहे। तो ये आराम से खड़ा, वैसे सड़क से गुज़र के कई दफ़ा हमारी गाड़ी के सामने से गुजरे हैं, वाइल्ड बोर भी हैं। बारिश के बाद खुशगवार मौसम बन लाहौर से केल जाने के लिए हम ताओबाट तक गए थे, लेकिन गाड़ी पर केल तक गए थे, उससे आगे हमने जीप ली थी। ठीक है जी। तो केल तक के दो रास्ते हैं, दो तरह से आप जा सकते हैं, एक मानसेरा से और गढ़ी हबीबुल्ला से होकर मुजफ़्फ़राबाद जा सकते हैं और फिर मुजफ़्फ़राबाद से आगे केल। ठीक है जी। और जो
दूसरा रास्ता है वो इस्लामाबाद से होकर और मरी से होकर आप कोहाला ब्रिज क्रॉस करते हैं और वहाँ से फिर आप मुजफ़्फ़राबाद चले जाते हैं। मुजफ़्फ़राबाद से आगे ये एक ही रास्ता है, ठीक है जी। तो जो पहले वाला रास्ता है वो तकरीबन 700 किलोमीटर के करीब करीब है और ये दूसरे वाला 750 के पास है, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फ़र्क है, थोड़ा कम है। लेकिन मरी वाली साइड से हम गए थे और मरी वाली साइड को हमने इसलिए चूज़ किया कि अगर हमें रास्ते में रात हो जाती है या हमें कहीं रुकना पड़ता है तो चलो हम मरी रुक लेंगे। तो ये भी हमारे प्लान था, इस वजह से हमने इस रास्ते को चूज़ किया, जाने के लिए भी आने के लिए भी। वैसे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जाते हुए एक रास्ते से जाएं और वापसी पे दूसरे रास्ते से आएंगे, तो आपका जो ट्रिप है वो और भी मज़ेदार। हम टोयोटा यारस पे गए थे, 1.5 ATV है। तो फ्यूल का मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि एवरेज इसकी बहुत अच्छी है, राइड बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़बरदस्त रहा हमारा। हालांकि हम 5 लोग थे तो 5 लोग थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, पीछे वाले जो 3 बैठते हैं। तो लाहौर से हमने रीफिल कराई थी और उसके बाद हमने इस्लामाबाद में जो बाराखाऊ है वहाँ पे जाके फिलिंग की है, और उसके बाद मुजफ़्फ़राबाद जाके। तो बाराखाऊ से मुजफ़्फ़राबाद तक हमारा तकरीबन 2500 या 2000 या 2500 का फ्यूल डला था, तो लेकिन लाहौर से इस्लामाबाद तो 7-8 हज़ार का डला था। उसके बाद फिर मुजफ़्फ़राबाद के बाद हमने केल चले गए हैं, रात केरन रुके हैं पहले और उसके बाद केल चलेंगे, लेकिन फ्यूल हमने वापस मुजफ़्फ़राबाद आकर ही डलवाया है। तो वो तकरीबन एंड होने वाला था जब हमने डलवाया है, तो वो फिर दोबारा फुल हुई है टैंकी उसकी। और मुजफ़्फ़राबाद के बाद हमने आके डलवाया मोटरवे से कलर कार के पास। जीप जो है केल से वो लेती है ताओबत का तकरीबन 12-14 हज़ार, तो वो दिन का मतलब सेम डे का वो अगर आप वो सिर्फ छोड़ने जाएंगे तो वो लेते हैं जी तकरीबन 12 हज़ार, ठीक है। अगर आपने उनके साथ वापस भी आना है तो वो उन्होंने मांगे 14 हज़ार, ठीक है। तो वो वापस हमने अगले दिन आना था तो वो 14 हज़ार में हमने उनके साथ डन किया और वो 14 हज़ार में हम गए हैं और वापस भी आए हैं अगले दिन। होटल वगैरह जो है हमें मुनासिब ही मिल गए हैं। केरन में हमें तकरीबन 5 हज़ार में रूम मिल गया था, रश था काफ़ी, तो कमरा भी फिर मुनासिब भी था उस हिसाब से क्योंकि वो सीज़न था, जारी बात है सीज़न चल रहा है। और अरंग केल में हमने क्योंकि वो आर्मी का वो मिला था गेस्ट हाउस, तो वो थोड़ा महंगा था, वो 10 हज़ार का रूम था, तो जो हमें मुनासिब मिल गया वैसे उसकी प्राइस ज़्यादा है। और ताओबात में हमें रूम तकरीबन 3500 के करीब मिला था, तो वो भी मुनासिब था, अच्छा रूम था, साफ़ सुथरा था, मेन चीज़ है कि साफ़ सुथरा था और नया बना हुआ था, तो वो हमें मिल गया है। मरी में तो काफ़ी रश था, काफ़ी ढूंढने के बाद हमें मिला है कोई 5 हज़ार में रूम। पिंडी 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 लाला मूसा खा रियां जो मर्जी करन सवारियां जान दे उस्ताद जी। 52 हज़ार वाला केड़ा सीगा सज्जे पासे सीगा नहीं आ उत्ते उत्ते वो तो लाण तो पाके ना जाइए। वैसे लास्ट टाइम जब हम कश्मीर गए थे तो फूड का जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत ख़राब रहा था, मतलब कि इतना अच्छा फूड नहीं मिला था हमें किसी भी जगह से। इसी वजह से हम इस दफ़ा अपना फूड काफ़ी सारा पैक करवा कर लेके गए थे, जो टिन पैक होता है, और वहाँ से भी खाया था। जाते हुए हमने कुंडल शाही जो आता है रास्ते में वहाँ से खाया था, खाना उधर अच्छा मिल गया था। केरन में जो है वो बट कढ़ाई है, उसकी भी कढ़ाई अच्छी है अगर आपको लाहौरी पसंद है तो। और अरंगकेल में वो हमें आर्मी मेस मिल गया, उनका खाना भी बहुत अच्छा था, और ताओबत में थोड़ा मुनासिब था लेकिन अच्छा था, ठीक था, गुजारे लायक था। फिर हमारा अपना भी खाना मौजूद था तो वो हम उसको भी इस्तेमाल कर लेते थे। तो
तो इस वजह से हमें ज़्यादा तंगी नहीं हुई। तो जब भी आप जाएं तो कोशिश करें कि अपना खाना साथ ले जाएं कुछ, और लेकिन वहाँ से भी ज़रूर खाएं, ताकि आपको वहाँ का भी चीज़ें टेस्ट करें और उस जगह का भी आइडिया हो कि वहाँ पर चीज़ कैसी मिल रही है। मरी का बंदर घूड़िया पा रहा सू हो गया भी है ना भी बंदर तू बंदर मूह तेरा Yeah.